दिस इज आकृति एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल चैनल हार्ड अप स्टडी। हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देख करके इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो कि ये तो क्लास 8 की वीडियो है, इसे हम क्यों पढ़े, तो आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन ओवर हियर। अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल लेवल दैट मींस यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या फिर बैंकिंग के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है इस टॉपिक को स्किप करना तो बिल्कुल नहीं बनता। तो हम अपने आज इस वीडियो के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को काफी डिटेल में कवर करेंगे, इसके कितने ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। और चलिए इसी के साथ हम अपने आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये क्यों बने होंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा हमारे हिस्ट्री में कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी, और अगर पड़ी भी तो क्यों पड़ी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 में बना। ठीक है, सो दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945। मतलब क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया। अब ये अगर ऑर्गेनाइजेशन बना तो इसके ऑब्वियस से बात है कि कुछ पर्पस होंगे। क्या पर्पस है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। ये पर्पस अभी मैं आपको क्लियर नहीं कर रही हूं कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जरूरत उस समय क्यों पड़ी होगी 1945 में, मैं थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगी। अभी इन तीन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी कि आखिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था बनने के बाद वो क्यों ये तीन ही पॉइंट्स बने या इससे ज्यादा भी पॉइंट्स बने, और बने भी तो ऐसे पॉइंट्स क्यों बने, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट मींस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ये पर्पस था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, दैट मींस सामाजिक और आर्थिक विकास करने की भी जिम्मेदारी किसकी थी? इस ऑर्गेनाइजेशन की थी। थर्ड, टू प्रमोट ह्यूमन राइट, दैट मींस मानव अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी कौन ले रहा था? तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ले रहा था। ठीक है, तो अभी तक आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि यहां शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी ली जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आर्थिक और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी ली जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या कारण रहा होगा कि मानव अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लिए जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए आपके सस्पेंस को मैं खत्म करती हूँ, थोड़े से हिस्ट्री में लेकर के चलती हूँ फ्लैशबैक में, लेकिन जब मैं हिस्ट्री के वीडियो डिटेल में लेकर के आऊंगी तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर्स को भी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने हिस्ट्री में बहुत एक दमदार टॉपिक पढ़ा है, दैट इज वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक हुआ, किस किस कंट्री के बीच में हुआ, मैं तो अभी आपको वो डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूं, बट मैं आपको डेट बता सकती हूँ, दैट इज फ्रॉम 28
July 1914 to 11th November 1918. This was the date of First World War. That means First World War जो शुरू हुआ वो 28 July 1914 से शुरू हुआ. कब तक चला? तो 11th November 1918, मतलब 4 साल तक ये वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जब ये वॉर चला ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, ठीक है. कब तक चला ये वॉर? 1918 तक चला. अब आप ध्यान दो, जब ये वॉर हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए होंगे. ऑब्वियस सा बात है कि जब वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो डिस्ट्रक्शन तो लाजमी है. डिस्ट्रक्शन हो रहे, लाइफ के लॉसेस हो रहे, इट्स ऑब्वियस. बट अब क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जा रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सो दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज लीग ऑफ नेशन, ठीक है. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश इन जिनीवा स्विट्जरलैंड इन 1920. तो जैसे ही 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन. कहां स्टेब्लिश किया जाता है? तो जिनीवा में, ठीक है. कब स्टेब्लिश किया जाता है? 1920 में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू स्टेब्लिश पीस अमंग नेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन, ये क्या कहता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पूरे ग्लोब पर क्या मेंटेन करके रखेंगे? पीस मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है. और किसी भी तरीके का फ्यूचर वॉर, मतलब भविष्य में किसी भी तरीके का वॉर ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी कौन लेता है? लीग ऑफ नेशन लेता है. रीड दिस पॉइंट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू स्टेब्लिश पीस अमंग द नेशन ऑफ द ग्लोब एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, दैट मीन्स लीग ऑफ नेशन जो होता है, ये क्या कहता है? भाई हम पूरे ग्लोब पर शांति बनाए रखेंगे और फ्यूचर में किसी भी तरीके के वॉर को नहीं होने देंगे. बट ट्विस्ट कब आता है? देखो, हाउ एवर द लीग ऑफ नेशन फेल्ड इन इट्स एम टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ट्विस्ट तब आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब होता है? 1 सितंबर 1939. मतलब ये 1920 में जिनीवा में लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, बनकर तैयार होता है. बहुत सारे डॉक्यूमेंटल पेपर रिटन, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वॉर नहीं होने देंगे, हम शांति बनाए रखेंगे. बट लास्ट में क्या होता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लीग ऑफ नेशन है, ये फेल हो जाता अपने सारे ऑब्जेक्टिव पर. इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो पेपर पे ही रह जाते हैं, ठीक है. और शुरू क्या हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अभी तक जितने भी वॉर हो रहे थे कंट्री में, कंट्री टू कंट्री, वो सिंपली वेपन से हो रहे थे, आर्म से हो रहे थे. बट ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये काफी डिस्ट्रक्टिव रहा, पूरे कंट्री को डिवास्टेट किया. कब से कब तक शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, कब तक रहा? तो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और कब तक चला? 2 सितंबर 1945. कैन यू सी द पीरियड? 6 साल तक कंट्री कंट्री के बीच में क्या हो रहा था? लड़ाई हो रहा था. अगर मैं आपको याद दिलाऊ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं अगर आपसे ऐसे कह रही हूं तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, बट ये इंसिडेंट आप लोग सभी सुने हुए हो, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का इंसिडेंट, जिसमें बॉम्बिंग किसने किया था? यूएसए ने किया था, है ना. यूएसए हैज बॉम्ब्ड हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड दैट वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉर. पहला बार जो एटम बॉम्ब का यूज हुआ था ना, वो कहां हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था. क्लियर है अभी? चलिए, तो इस वर्ल्ड वॉर में, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके पीरियड क्या थे? 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945. अब हम क्या देख पा रहे हैं कि 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट वॉज कॉल्ड द यूएन चार्टर, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन.
तो 50 कंट्रीज जो थे वो सैन फ्रांसिस्को में क्या होते हैं 1945 में गैदर होते हैं, मिलते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका नाम होता है यूएन चार्टर। ठीक है, उस यूएन चार्टर को क्या करते हैं, साइन करते हैं। कितने कंट्रीज, 50 कंट्रीज, 50 कंट्री मिल करके एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है यूएन चार्टर, जिसे 50 कंट्री साइन करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। चलिए, अब जब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना था। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब लीग ऑफ नेशन बना तो वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स में फेल होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसमें काफी लाइफ के लॉसेस होते हैं, ऑब्वियस सा बात है, जब न्यूक्लियर वेपन्स के यूज होंगे, एटम बॉम्बिंग किए जा रहे हैं तो लाइफ के लॉसेस हैं, मतलब पूरा कंट्री डिवास्टेट हुआ था, ये हम सभी को पता है हिरोशिमा और नागासाकी का क्या कंडीशन था। अभी तक कहे जाते हैं कि वहां के लोग नॉर्मल बर्थ नहीं ले पाते हैं, बट दैट इज अ वेरी सैड थिंग अबाउट दैट कंट्री। बट इस वॉर के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि 50 कंट्रीज जो होते हैं सैन फ्रांसिस्को में गैदर्ड होते हैं और एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, यूएन चार्टर। ठीक है, ये यूएन चार्टर ही जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्रिएट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करता है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज नथिंग बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यही जो यूएन चार्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बनता है, 24 अक्टूबर 1945। और एक चीज के तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के जाऊं, ये जो यूएन चार्टर होते हैं ये कब साइन किए जाते हैं 50 कंट्रीज के द्वारा, 26 जून 1945। ठीक है, डेट काफी ध्यान से देखना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो ये डेट्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, तो 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर 50 कंट्रीज ने अपने सिग्नेचर दिए थे। मैं फिर से रिपीट कर दू, 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज, 50 कंट्री मिल करके यूएन चार्टर पे अपने सिग्नेचर दिए थे, जस्ट टू मेक दिस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिर कितने कंट्रीज 24th अक्टूबर को ओरिजिनल मेंबर बने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम क्या लिखते हैं, 51 मेंबर। ठीक है, कि कितने मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे 24 अक्टूबर 1945 को, तो हम लिखते हैं 51 मेंबर। वाई सो, क्योंकि 50 मेंबर्स जो थे इस यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को अपने सिग्नेचर दिए थे, जस्ट टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पोलैंड एक ऐसा कंट्री था जो अपने सिग्नेचर कुछ समय के बाद देता है, और जब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद जब पोलैंड अपना सिग्नेचर देता है, तो इसी के साथ क्या हो जाता है, ये 51st कंट्री बनता है इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और इसी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। तो इसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे जो है वो 24th अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये तो हो गए ओरिजिनल मेंबर्स, जो कि 1945 में इसके मेंबर्स बने थे, वो कंट्रीज, आई मीन जो ओरिजिनल मेंबर्स थे 1945 में, जो कंट्रीज के मेंबर बने थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो तो 51 थे, ये हम सभी को अब समझ में आ चुका है। लेकिन प्रेजेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 193 है। ठीक है, कितने मेंबर है अभी, एट प्रेजेंट 193 मेंबर इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी मेंबर है। इनके जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क यूएसए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब आगे अपने वीडियोस में।
डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहां मेंशन है? आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर। देखो यहां मैं मेंशन की हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 1 में मेंशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर ही जो था वो क्या बनाया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे, ठीक है? वॉर हुआ था, काफी अशांति फैली हुई थी पूरे देश में, तो इस बेसिस पे क्या था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो भी नेशन हमारे मेंबर्स बनेंगे उनके बीच में हम शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे। हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। दैट मीन्स एक हंसी खुशी का माहौल बना करके, हंसी खुशी हम नहीं कह सकते, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बना करके हम मेंबर्स के बीच में रखेंगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज प्रमोट ह्यूमन राइट, दैट इज मानव अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। फोर्थ पॉइंट इज प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दैट मीन्स क्या मतलब इस पॉइंट का, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस पॉइंट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आर्थिक और सामाजिक विकास की भी जिम्मेदारी किसकी है? इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये प्रिंसिपल एक्चुअली कुछ खास नहीं है कि जो भी मेंबर्स होंगे ना, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कंट्री मेंबर्स बनना चाह रहे हैं उनको उनके यूनाइटेड नेशन चार्टर को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी भी चीज के हिस्से बनते हो तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको उसके जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है। ठीक उसी तरीके से इसका भी प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर कोई भी कंट्री इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या कंपलसरी है? हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मेंबर मस्ट अबाइड बाय द चार्टर। तो जो भी यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर लिखी गई है बातें वो सब वो मेंबर्स जो होंगे जो भी कंट्री मेंबर बन रही है उन्हें वो फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट इज मेंबर शुड सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। दैट मीन्स जो भी कंट्री इसके मेंबर बनेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के और किसी कंट्री के बीच में किसी भी तरीके का अगर टेंशन हो भी जाता है तो उस टेंशन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? बड़े ही प्यार से बड़े ही शांति के साथ उस डिस्प्यूट को उस टेंशन को क्या करेगी? रिजोल्व करेगी। हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मेंबर शुड असिस्ट यूनाइटेड नेशन इन एनी एक्शन इट टेक। मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी चीज पर किसी भी डिसीजन को ले रही है किसी के लिए एक्शन ले रही है तो उसके जो मेंबर कंट्री होंगे वो उस पर अपने सजेशंस दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को असिस्ट कर सकते हैं। ये भी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। फोर्थ पॉइंट इज यूनाइटेड नेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर ऑफ एनी मेंबर स्टेट। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन किसी भी मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर्स पे, मतलब अगर उनका कुछ अंदरूनी बातचीत हो रहा हो या फिर किसी भी तरीके का अगर इंटरनल अफेयर हो तो उस पे दखल अंदाजी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये जो ऑब्जेक्टिव्स है आई होप आपको क्लियर होंगे। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे भी हम देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन is open to all peace loving nation that accept the principle of United Nation Charter and agree to abide by the same. That means जो भी membership लेना चाह रहे हैं इस United Nation organization का तो उन अगर वो country शांति प्रिय है और वो चाहते हैं कि शांति के साथ
दूसरे कंट्री के साथ रहे तो इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर बन सकते हैं। कब? ऑब्वियस सा बात है, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे तो उनको क्या फॉलो करना होगा? यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो करना होगा। तो वही चीज लिखा गया, मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशन दैट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड अग्री टू अबाइंड बाय द सेम। दैट मीन्स जो भी मेंबरशिप बनना चाह रहे, अगर वो मेंबरशिप बनना चाह रहे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होना चाहिए कि वो शांति प्रिय देश होना चाहिए और दूसरे देशों के साथ भी वो क्या होना चाहिए, शांति प्रिय ही काम करते होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें चीज लिखा गया कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल को वो फॉलो करें, और अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। अब आते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस लैंग्वेज में अपने कार्यभार को संभालती है, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो काम होते हैं वो सिक्स लैंग्वेजेस में होते हैं। फर्स्ट इज अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। दैट मीन्स ऑफिशियल वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरिड इन सिक्स लैंग्वेजेस, नेमली अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। वेरी सिंपल, कि उनके जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो कितने लैंग्वेजेस में होते हैं, छह लैंग्वेज में, और उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज सेक्रेटेरिएट, फिफ्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सिक्स्थ इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। यहां आपको ये छह ऑर्गन्स को याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में बेसिकली इससे क्वेश्चन आते हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से काउंसिल कहां सिचुएटेड है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स जो है, जो पार्ट्स है वो कहां सिचुएटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक से याद करना है कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, आईसीजे जो है, ये सिर्फ अलग जगह पे सिचुएटेड है, दैट इज दिस इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड, और जितने भी अदर काउंसिल्स है, जितने भी अदर ऑर्गन्स है यूएन के, वो कहां सिचुएटेड है, तो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज है। चलिए अब हम इन सारे ऑर्गन्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्स ऑर्गन, और हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑर्गन है दैट इज जनरल असेंबली, और इस जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑर्गन कहा जाता है, और इसे जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे वो जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स, इसको हम पहले रीड करते हैं। सो जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल लाइन। सेकेंड पॉइंट इज ऑल द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे वो कंपल्सरली जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रेगुलर सेशन बिगिन ऑन द थर्ड ट्यूजडे ऑफ सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल द थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर। वेरी सिंपल स्टेटमेंट अगेन, जो इनका जो सेशन शुरू होता है, किसका, जनरल असेंबली का जो सेशन शुरू होता है वो कब से कब तक चलता है, तो सेप्टेम्बर के थर्ड ट्यूजडे से, थर्ड ट्यूजडे ऑफ सेप्टेम्बर से शुरू होता है और कब तक चलता है, तो थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर तक। क्लियर, वेरी सिंपल। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जनरल असेंबली जो है वो यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के होंगे वो जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। और थर्ड हमने क्या डिस्कस किया कि इनका जो रेगुलर सेशन होता है वो कब से कब तक चलता है, तो थर्ड ट्यूजडे ऑफ सेप्टेम्बर से शुरू होता है सेशन और कब तक चलता है, तो थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर तक चलता है।
इतने पॉइंट्स क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आखिर इस जनरल असेंबली को इतना इंपॉर्टेंट मेंबर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों कहा गया है यूएन का। ठीक है, सो रेडी स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। जनरल असेंबली टेक डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, थर्ड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। वेरी नाइस। ओके, सो जनरल असेंबली जो है मेजरली इनकी जो रोल होती है वो क्या होती है, डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। किस चीज पर इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा जो सेकेंड ऑर्गन है इस यूएन का। अभी हमने फर्स्ट ऑर्गन पे, अभी हम फर्स्ट ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं जनरल असेंबली, हमारा जो सेकेंड ऑर्गन होगा वो होगा सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये हमारा नॉन परमानेंट बॉडी है। ठीक है, ये सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअली क्या है, हमारा नॉन परमानेंट मेंबर है इस जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो इनको इलेक्ट करने का भी जिम्मेदारी किनका है, तो इस जनरल असेंबली का है। अगर न्यू मेंबर्स, मतलब अगर कोई कंट्री मेंबरशिप चाहती है यूनाइटेड नेशन की, तो उनके एडमिशन पर चर्चा, उनके एडमिशन पर डिस्कशन कहां होती है, जनरल असेंबली में होती है भाई। सस्पेंशन ऑफ मेंबर, अगर किसी कंट्री को सस्पेंड करता है, करना हो, तो वो भी सस्पेंशन रिलेटेड जो मैटर होगी कहां डिस्कस होगी, जनरल असेंबली में डिस्कस होगी। दैट मीन्स अगर कोई कंट्री है जो सही तरीके से इनके रूल्स, इनके रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, किनके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो उनके सस्पेंशन की बात कहां हो रही होगी, जनरल असेंबली। क्लियर, तो इसके बेसिस पर जनरल असेंबली को क्या कहा गया कि भाई वी आर इंटरनेशनल पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, जनरल असेंबली इज लाइक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट वेयर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर डिस्कस्ड एंड ऑल डिसीजन आर मेड बाय मेजॉरिटी वोट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा गया क्योंकि यहां पर में इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं, मेजर इश्यूज पे डिसीजन लिए जाते हैं। किस बेसिस पर, तो मेजॉरिटी वोट्स के बेसिस पर। ठीक है, क्लास में होता था ना कि अगर किसी को एक मॉनिटर चुनना हो तो मेजॉरिटी वोट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पर यहां भी वोटिंग होती है कि जिसको भी मेजॉरिटी वोट, जिस भी मैटर को मेजॉरिटी वोट मिलेगी, बात उन्हीं की चलेगी। ठीक है, तो यहां पर में जनरल असेंबली को एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए कहा गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये बॉडी, ये ऑर्गन नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को चुनती है, न्यू मेंबर्स के एडमिशन पे बात होती है इस जनरल असेंबली के अंदर, अगर किसी मेंबर को सस्पेंड करना हो तो भी उनसे रिलेटेड जो मैटर उठती है वो कहां होती है, जनरल असेंबली में उठती है। इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि यहां जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट। आई होप आपको ये फोर पॉइंट क्लियर होंगे। सो इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, हम पहले इसे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यहां पर मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, जितनी भी डिस्कशन होती है, वो भी कहां होती है, जनरल असेंबली के अंदर होती है। सेकेंड पॉइंट, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वेरी सिंपल स्टेटमेंट अगेन, अगर किसी कंट्री कंट्री के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होनी चाहिए, अगर वैसे केसेस में किसी भी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रही हो, दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रही हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक सेटल करे। ठीक है, शांति से उस डिस्प्यूट को क्या करे, सेटल करे। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो जितने भी बजट रिलेटेड बातें होती है या उस पे जो डिस्कशंस होते हैं वो कहां होते हैं, अगेन जनरल असेंबली के अंदर। इन पर जो अप्रूवल देती है वो भी कौन देती है, जनरल असेंबली देती है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है,
to elect the non-permanent member of Economic and Social Council and the judges of International Court of Justice. तो अगेन हमारे पास देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज है, that is Economic and Social Council. ये क्या है? एक non-permanent member है. Judges of International Court of Justice. ठीक है, ये भी क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है. और इन दोनों के मेंबर्स को भी कौन इलेक्ट करती है? सो जनरल असेंबली. ओके, सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर वीडियोस में. सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अगेन अ नॉन परमानेंट मेंबर. और इनके भी इलेक्शन पर जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेती है? जनरल असेंबली लेती है. आई होप आपको ये क्लियर होंगी. फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन है, और जो भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के होंगे वो जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे. दिस इज कंपल्सरली इम्पॉर्टेंट. ओके, थर्ड पॉइंट इज इनका जो सेशन शुरू होता है वो कब से कब तक चलता है. तो थर्ड ट्यूजडे ऑफ सितंबर से शुरू होता है. कब तक चलता है? थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक. क्लियर. फोर्थ पॉइंट क्या था? कि यहां जनरल असेंबली के अंदर मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं ऑन इम्पोर्टेंट मैटर, लाइक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर यहां इलेक्ट होते हैं. अगर न्यू मेंबर को एडमिशन देना हो तो भी जनरल असेंबली में डिस्कशंस होते हैं, वो उनपे उनके बिहाफ में डिसीजन लेती है. सस्पेंशन ऑफ मेंबर कहाँ होती है? जनरल असेंबली के अंदर होती है. इसी के वजह से इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि मेजर इश्यूज जो होती है वो यहाँ डिस्कस होती है, उन पे डिसीजंस लिए जाते हैं, और डिसीजन भी मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पर होती है. तो आई होप आपको यहां तक ये जनरल असेंबली बहुत अच्छे से क्लियर होगी. तो हम अपने आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़े? लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़े, है ना. यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ और आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे के रीजन क्या थे. ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पांच ऑर्गन्स पर डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर जितने भी क्वेश्चन आए उन्हें हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो हम अपने वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर इफ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लव्ड वंस एंड फ्रेंड्स. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.